आज हम इस वीडियो में अजय देवगन की आने वाली फिल्म टोटल धमाल फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि टोटल धमाल फिल्म अपने पहले दिन कितने करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि अब टोटल धमाल फिल्म को रिलीज़ होने में कुछ ज़्यादा दिन नहीं बचा है और लिहाजा फैंस जानना चाहते हैं कि टोटल धमाल फिल्म अपने पहले दिन कितने करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। तो बता दें कि टोटल धमाल फिल्म में अजय देवगन के अलावा माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी जैसे एक्टर लीड रोल में नजर आने वाले हैं। और अगर बात करें टोटल धमाल फिल्म के बजट की तो टोटल धमाल फिल्म का बजट करीब 120 करोड़ से 130 करोड़ का है। वहीं इस फिल्म को 4000 स्क्रीन से ज़्यादा स्क्रीन पर रिलीज़ किया जाने वाला है। हालांकि रिलीजिंग की टाइम इसकी स्क्रीन ऊपर नीचे हो सकती है। वहीं अब बात करें टोटल धमाल फिल्म अपने पहले दिन कितने करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, तो बता दें कि एक्सपर्ट के अनुसार टोटल धमाल फिल्म अपने पहले दिन 25 करोड़ से 30 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, क्योंकि फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और इस फिल्म के गाने को भी दर्शकों ने काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स दिया है और पब्लिक को कॉमेडी फिल्में ज़्यादा पसंद आती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि टोटल धमाल फिल्म अपने पहले दिन 25 करोड़ से 30 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। तो आपको क्या लगता है कि यह फिल्म अपने पहले दिन कितने करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।